सरप्राइज आ गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वापस आज फिर करोल बाग जा रहा हूँ। मॉर्निंग मैं जल्दी उठा और उसके बाद पैकिंग कर लिया था, क्योंकि मेरे को ओयो में रूम मेरा एक्सटेंड नहीं हो रहा था, क्योंकि 17 का एक बुकिंग था। पूरा पैकिंग कर लिया, लगेज चढ़ा दिया और मैं निकल रहा था दूसरे होटल का बुकिंग पे, जहाँ पे होटल दूसरा बुक था। और इतने में मेरे को ओयो का जनरल मैनेजर, जो प्रॉपर्टी का जनरल मैनेजर था, वो बैठा था। उसने मुझे पूछा, सर अभी बॉम्बे रिटर्न जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं सर, बॉम्बे नहीं जा रहा हूँ, अब मुझे एक्सटेंशन नहीं मिला, इसलिए मैं प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो उन्होंने बोला, क्या हो गया? मैं बोला, ऐसे ऐसा है, आज का भी एक ही दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है मुझे, कल का नहीं मिल रहा है। और एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, दूसरा बात, मुझे 1800 का कॉस्ट पड़ रहा है, जो बल्कि मुझे 1300 में पहला ये 3 दिन में रहा। तो उसने बोला, कोई बात नहीं सर, मैं चेक कर देता हूँ। उन्होंने चेक किया, एक रूम अवेलेबल, एक्चुअली कोई रूम नहीं था, उन्होंने करवा दिया। बोला, बाकी मैं देख लूँगा क्या करना है। उन्होंने मुझे 17 तक का एक्सटेंशन दे दिया है। मेरे को बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 17 को आप आज जितना दिन रुकना चाहो, आप 1300 के हिसाब से आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, तो एक अच्छा फेयर डील हो गया। क्योंकि अभी पता नहीं है, दिल्ली में ओयो में मैं चेक कर रहा हूँ, booking.com में चेक कर रहा हूँ, 1300, 1400, 1500 यही रेंज में रूम्स चल रहा है, कोई रीज़न है क्या पता नहीं। और इस सब के अलावा उन्होंने मेरे को बोला, आप जितना दिन 19 तक रुकना है, मैंने बोला 19 अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना दिन रुकना चाहे ये रेट में आप रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बैक टू बेसिक, पूरा सामान चढ़ा दिया वापस रूम में। अभी तक उन्होंने बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट डाला ही है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होकर आ जाएगा, वो कर देगा। एंड मैं अभी वापस जा रहा हूँ करोल बाग। कल गाड़ी का काम हो गया था, अभी मुझे ये टैंक को ब्रैप करने का है, मैट वाला ब्रैप, ताकि थोड़ा ये दिखे, क्लीन दिखे। क्या होता है कि मैं जब भी टैंक बैग लगाता हूँ तो ये स्क्रैचेस आ जाते हैं इसके ऊपर, तो मैंने सोचा टैंक जाके ब्रैप करवा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और क्या है, और कुछ नहीं, बस ड्राफ्टिंग करवा दूंगा और थोड़ा वायरिंग का काम है, वो भी आज करवा लूँगा। मिलता हूँ, आज कहीं ना कहीं घूमने निकलूँगा। प्रॉब्ली ड्राफ्टिंग और वायरिंग एक चीज़ में 2 घंटा लगेगा, तो 2 घंटा में कहीं घूम के आऊँगा। आज करोल बाग रुक के टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। चलो अभी कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैं सर्विस करवा रहा था, कल शाम को सर्विस कंप्लीट हो गया, लेकिन कल फिर मैं कुछ काम और याद में आया था, जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा लाइट लगवाना था,
हाईवे पे कमी पड़ रही थी लाइट की, तो लाइट का काम करना बाकी था. एंड उसके अलावा मुझे टैंक को रैप करना था मैट में, लैमिनेशन करना था, क्योंकि मेरा टैंक बैग की वजह से स्क्रैचेस हो रहा था. तो मैंने अभी ऑप्ट किया हुआ है आज अभी ये करने के लिए. तो अभी थोड़ा देर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में ट्राई करूँगा. आज एक सरप्राइज़ है ब्लॉग में, खुशी से आपको समझ में आ जाएगा. एक बार एक आने दो उनको, उसके बाद आपको मैं सरप्राइज़ बताऊँगा. फिर से पूरा ओपन हो चुका है एंड कंप्लीट टैंक निकाल के वायरिंग हार्नेस का काम हो रहा है. तो ये क्लिप टू क्लिप वाला वायरिंग लगा रहा हूँ. पूरा वायरिंग निकाला हुआ है, क्लिप ऑन्स वाला, क्लिप टू क्लिप वाला वायरिंग हार्नेस मंगाया वापस मैंने. तो ये ऐसे पूरे वायरिंग चला जाएगा उसके अंदर. और भी थोड़ा वायरिंग का काम है, एक्स्ट्रा फॉग लैम्प भी लगा दिया है. तो आप गाड़ी पे टोटल 4 फॉग लैम्प है. एंड अब हाईवे पे मज़ा आने वाला है. लाइट की कमी थी, अब फुलफिल हो गया, सरप्राइज आ गया है. काम कंप्लीट हो गया. अब इसके ऊपर मैट लैमिनेशन चढ़ाया जा रहा है. टैंक का स्क्रैच आ रहा है ना यार, बहुत. क्यों बाइक का कोई चेंज दिख रहा है? ये मेरा बाइक नहीं है, ये लक्ष्य भाई का बाइक, बर्न टू राइड है. लक्ष्य भाई काफ़ी टाइम से मेरे साथ है, करीब 2:30 से हमारे साथ ही है. उनका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए वो आए थे. चलेगा अरे तूने टाइट नहीं किया अभी तक? नहीं, टाइट तो हल्का सा ही है वो, मेरे को तो पता थी ना. चल एक मिनट रुक. लेट क्यों? ए बाबा रुकने का, रे बाबा, ए बाबा इसका लाइट बंद करने का, बाबा इसका लाइट बंद करने का. ए बाबा, ए बाबा आप में लगता है रे बाबा, थोड़ा नीचे. एक मिनट बाबा, आँख में लगता है लाइट हमारा. हेलो, हाँ ठीक है, एक सेकंड, चलो भाई एक मिनट में आ रहा हूँ. हाँ ठीक है. लक्ष्य भाई जा रहे, बाइक ने आज का पूरा दिन निकाला मेरे साथ. 2:30 को भाई ने 3 बजे पहुँचे का बोला था, 2:30 को ही पहुँच गए. और साथ में करोल बाग में थे तो थोड़ा उनका गाड़ी का भी काम था, वो भी हो गया. और मेरे साथ भी था, मेरा भी गाड़ी का काम हो गया. ये टाकी के ऊपर लेमिनेशन भी करवा दिया है, एकदम चकाचक हो गया हमारा गाड़ी. अब चल रहे हैं हम लोग डिनर करने के लिए लक्ष्य भाई के साथ. अब आज पहले बार हम लोग डिनर करेंगे मैं उनके साथ, उसका भी नसीब हो गया है मेरा. एंड थैंक्स टू राइडर मेनिया ये चीज़ के लिए कि लक्ष्य भाई को मिला पाया. एंड जो भी है अच्छे के लिए होता है, एंजॉय करते हैं. मैंने ज़्यादा उनको व्लॉग में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ऑकवर्ड फील नहीं कराना था उनको. जगह देना चाहिए, आधे दिया चलो. एक किलोमीटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक बच गया.
ये है लोकल बंदे का। सो यूट्यूब के दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही में बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन दबाने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसा आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सप्लोरिंग फॉर पीस विद जिजो, वहाँ पे भी आप जाके IGTV पे भी वीडियो देख सकते हो। कनेक्टेड रहिए सो दैट आपको वहाँ पे लाइव अपडेट मिलेगा। यूट्यूब पे मैं कैसा थोड़ा स्लो चलता हूँ, थोड़ा कभी कभी 15 दिन एक महीने का डिले आता है। इंस्टाग्राम पे जो कनेक्टेड है उनको मेरे पूरे ट्रैवल अपडेट्स अपडेटेड, एंड स्टे कनेक्टेड टू द वीडियो सो दैट यू गेट द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एंड माई नेक्स्ट ट्रैवल प्लान। स्टे ट्यून्ड।